हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं पिकनिक, तो उसके लिए बस तैयारी चल रही है। अभी मैं रास्ते के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बनाती हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी। सो बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे खाना बनके एकदम रेडी हो चुका है। मैंने बनाई पूड़ी, रोटी, चिकन का अचार एंड पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि अभी फ़िलहाल बन रही है। गैस पे चढ़ा रखी है मैंने। थोड़े दिन पे ये बन के भी रेडी हो जाएगा एंड फटाफट से हम पैक करेंगे, रेडी होके हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं रेडी होके घर से भी निकल गई और हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी, आप देख सकते हैं। तो जाने के लिए हम लोग ने करे थे दो गाड़ी, वो कम से कम हम थे 20-25 जन। तो जो ऐसे पहाड़ माउंटेन्स में क्या होता है, कच्चा रास्ता होता है, तो उसमें जो जीप होती है ये ही ज़्यादा चलती है। तो हमने करवाए थे दो जीप बुक एंड हम अराउंड 25 से 30 जन थे, तो पॉसिबल नहीं था कि सब आके बैठ सके। तो हम कुछ पीछे खड़े हो गए थे एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि। एंड हम हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए पूरे रास्ते हम ऐसे ही गए एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। आप भी देखिए इस वीडियो को एंड आप भी इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सब गाड़ी से उतर रहे हैं और धूल झाड़ रहे हैं। धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी, क्योंकि रास्ते में इतना धूल उड़ रहा था, पूछो ही मत। हमारा जो फेस था ना, पूरा मिट्टी मिट्टी से भर गया था। तो हम उतरे गाड़ी से और हम सब ने जगह ढूंढी जहाँ पर हम सब बैठकर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरी बेटी को लेके आ रहे हैं और हम यहाँ सबका वेट कर रहे थे कि कब आएंगे सब, और हम बैठ के पहले हम लोग खाएंगे खाना, देन हम घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे सब बैठ गए हैं और सब अपना अपना खाना निकाल रहे, जो सब अपने घर से बना कर लाए थे। तो बस खाना खाते हैं एंड आप लोग बस इस वीडियो को देखिए एंड एंजॉय कीजिए, और हम खाने को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में जो हम देखने आए थे। तो हम देखने आए थे वाइट कुंभा। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है वाइट कुंभा जो कि अभी नया नया ही बना है। और ये बना है अभी पुरानोकोट करके एक जगह है, वहाँ पे बना है। बहुत ही ज़्यादा हाइट में है एंड अराउंड हमें 2 से ढाई घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। और ये है लाली गुरास जो कि नेपाल का नेशनल फ्लावर है। एंड मतलब पूरे रास्ते में लाली गुरास लगे हुए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिल रहा था, बहुत ही पीसफुल भी लग रहा था एंड बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। हमने बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक करे, वीडियोस भी बनाए, रील्स भी बनाए। ऐसे नॉर्मल डेज़ में इतनी भीड़ होती नहीं है एंड इस दिन सबकी छुट्टी थी तो सब घूमने आए थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी, रश था। एंड वैसे नॉर्मल डेज़ में ऑलमोस्ट खाली रहता है। तो दोस्तों घूम फिर के हम लोग आ गए थे वापस। एंड वापस आने के बाद हम सब लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाया जिसका जो जो बचा हुआ था। एंड देन उसके बाद किया हम सभी ने डांस एंड बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। तो आप अभी आगे देखना डांस एंड आप लोग भी इंजॉय करना। तो दोस्तों डांस वांस करने के बाद मैं आ गई थी वापस गाड़ी में बैठने के लिए। एंड बैठकर फिर हम लोगों ने खाई मोमो को एंजॉय किया। एंड उसके बाद हम सब लोग थोड़ी देर बाद अपने घर के लिए हम सब लोग निकल गए। एंड फिर बस ये था, रास्ते में जाते जाते मैंने थोड़ी वीडियोस भी क्लिक की थी। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि मैं टूर पे गई थी घूमने। एंड वहाँ से वापस आने के बाद इतनी थकान हो चुकी थी कि बिल्कुल बस की नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि वीडियो शूट कर सकूँ। एंड जो मेरा फ़ोन की बैटरी थी ना एकदम डेड थी, सो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड मुझे वीडियो एंड करना था देन, इसलिए मैं अभी शूट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग ने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड आप मेरे वीडियो पे इसी तरह बने रहिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग videos. Till then, bye bye. See you in my next video.